हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान की बात करें तो साल 2018 की दिवाली के मौके पर उनकी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। उनकी फिल्म फ्लॉप होने के बाद बताया जा रहा वो काफी ज्यादा निराश चल रहे हैं और उन्होंने इसके चलते अपनी रणनीतियों में बदलाव भी कर रहे हैं। पहले खबरें थी कि आमिर खान 1000 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म महाभारत पर काम शुरू करेंगे, लेकिन अब उन्होंने अपना इरादा बदल लिया है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बताया गया कि आमिर खान अब महाभारत की बजाय अपने फैंस के लिए गजनी 2 लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ ही इस रिपोर्ट में ये इस बात की भी जानकारी दी गई कि फिल्म के मेकर्स ने अभी हाल ही में गजनी 2 टाइटल रजिस्टर कराया है। टाइटल को हिंदी और तेलुगु भाषा में रजिस्टर कराया गया है। गजनी एक कल्ट फिल्म थी। टाइटल रजिस्ट्रेशन के बाद इस बात की तो पक्की पुष्टि होगी कि गजनी 2 की प्लानिंग हो रही है, लेकिन अभी भी मेकर्स ने फिल्म की आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है। गजनी को AR मुर्गदोस ने डायरेक्ट किया था। गजनी 2 के लिए भी इन्हीं डायरेक्टर को अप्रोच किया जा सकता है। खबरों की माने तो इस फिल्म के लिए आमिर खान अपनी बॉडी पर खासा ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से गजनी फिल्म में उनकी बॉडी दिखी थी उसी हिसाब की बॉडी हमें गजनी 2 में भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और आमिर खान के इस नए प्रोजेक्ट को लेकर आपका क्या कहना है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। साल 2014 में सुपरस्टार सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस स्टारर फिल्म किक आई थी और इस फिल्म में जैकलिन और सलमान की जोड़ी को लोगों ने खूब एंजॉय किया। नतीजन ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। किक फिल्म की बात करें तो ये फिल्म सलमान खान की उन बेहतरीन फिल्मों में से शामिल है जिसे दर्शकों ने खूब एंजॉय किया है और इस फिल्म के अगले सीक्वल यानी किक 2 को लेकर एक लंबे समय से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, समय समय पर इस फिल्म को लेकर हमेशा से ही खबरें आती रहती हैं और अब जो खबर आई है उस खबर को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ भी हाल ही में मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि सलमान खान की फिल्म किक 2 की शूटिंग साल 2019 के अंतिम महीनों में शुरू की जा सकती है। साथ ही इस फिल्म में एक हमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वो बड़ा बदलाव ये है कि इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि इस बार किक 2 फिल्म में जैकलिन की जगह दिशा पाटनी नजर आने वाली है। यह भारत फिल्म में सलमान खान के अपोजिट नजर आने वाली दिशा पाटनी अब किक 2 का भी हिस्सा बनने वाली है और उन्हें कई बार साजिद नडियाडवाला के ऑफिस के बाहर भी देखा गया है और बताया जा रहा था कि किक 2 को लेकर दिशा पाटनी उनके ऑफिस जाया करती थी। वेल दोस्तों, इन सब चल रही खबरों में कितनी सच्चाई है और क्या किक 2 में सलमान खान के साथ जोड़ी दिशा पाटनी की बनेगी, ये तो फिल्म मेकर के अनाउंसमेंट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और आप इस फिल्म को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं? साथ ही आप किक 2 में किस हीरोइन को सलमान खान के अपोजिट देखना चाहते हैं? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म टोटल धमाल की बात करें तो ये फिल्म काफी मायनों में खास होने जा रही है, क्योंकि इस फिल्म में बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर हमें देखने को मिलेंगे। अभिनेता अजय देवगन की बात करें तो इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। साथ ही उनका भरपूर साथ इस फिल्म में रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, ईशा गुप्ता और बोमन ईरानी जैसे बेहतरीन कलाकार हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ही इस फिल्म से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और बताया जा रहा है ये तस्वीर टोटल धमाल की है, जिसमें अभिनेता अजय देवगन काफी बेहतरीन तरीके से नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके राइट शोल्डर पर एक बंदर भी बैठा है और कई लोग इस फोटो को फिल्म टोटल धमाल का फर्स्ट लुक भी कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है, अगर फर्स्ट लुक इतना मजेदार है तो फिल्म कितनी मजेदार साबित होने वाली है। फिलहाल इस फिल्म का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म को 22 फरवरी 2019 को रिलीज किया जाना है। टोटल धमाल एक बिग बजट की फिल्म है और इस फिल्म को 3D में बनाया जा रहा है। यह बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसे 3D में बनाया जाएगा। साथ ही इस फिल्म में अजय देवगन का हमें एक बेहतरीन तरीके से रोल भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप भी देखिए फिल्म टोटल धमाल से जुड़ा अजय देवगन का यह फर्स्ट लुक और हमें बताएं कि आपको फर्स्ट लुक कैसा लगा। साथ ही फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की बात करें तो भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतरिक्ष में अपनी पहली यात्रा की थी और उन्हीं के जीवन पर बनने वाली फिल्म को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस फिल्म के लिए शाहरुख खान का नाम सामने आ गया है, लेकिन इससे पहले आमिर खान का नाम इस फिल्म के लिए जोड़ा गया था, लेकिन आमिर खान ने किसी वजह से लेकर इस फिल्म को करने से मना कर दिया और शाहरुख खान का नाम मेकर्स को सजेस्ट किया था और शाहरुख खान इस फिल्म के लिए फाइनल किए गए थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच इस फिल्म को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसे जानकर शाहरुख खान के चाहने वाले थोड़े से निराश हो सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे, पिंक बिला की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि शाहरुख खान ने इस फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 के चलते ऐसा किया है। हाल ही में गली बॉय के ट्रेलर लॉन्च के
दौरान फरहान अख्तर ने कहा था कि वह एक बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अब कयास यही लगाया जा रहा है कि यह घोषणा डॉन 3 से जुड़ी हुई हो सकती है या फिर किसी और बड़ी फिल्म को लेकर। लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि शाहरुख खान सितंबर के महीने में ही साल 2018 में इस बायोपिक की शूटिंग शुरू कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हो पाया। जीरो रिलीज के चलते वे ऐसा नहीं कर पाए थे। जीरो फिल्म के बाद सभी लोगों ने कहा था कि राकेश शर्मा की बायोपिक में शाहरुख खान नजर आने वाले हैं, लेकिन शाहरुख खान अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। वेल दोस्तों, देखना काफी दिलचस्प होगा कि शाहरुख खान का अगला प्रोजेक्ट कौन सा होने वाला है। क्या वो इसी फिल्म में नजर आएंगे या फिर वो डॉन 3 में नजर आएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। इसी के साथ ही दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है और इस खबर पर आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। जब से कपिल और सुनील अलग अलग हुए हैं, तब से इन दोनों कॉमेडियन के चाहने वाले हमेशा से यही दुआ कर रहे हैं कि ये दोनों कॉमेडियन एक साथ हो जाएं। और जब भी इन दोनों कॉमेडियन को लेकर खबरें आती हैं, तो इन खबरों पर इनके चाहने वाले भी अपने नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सलमान खान ही ऐसे वो शख्स हैं जो कपिल और सुनील का भरत मिलाप करा सकते हैं। और आज हम आपको इस वीडियो में वो बड़ी वजह भी बताएंगे जिनकी वजह से कपिल और सुनील का भरत मिलाप होगा। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों सलमान खान अपनी फिल्म भारत की शूटिंग जोरों शोरों से कर रहे हैं और जल्दी इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी। शूटिंग खत्म होने के बाद सलमान खान इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए अगर टीवी रियलिटी शो में आते हैं तो अपने ही वो शो में आएंगे, यानी सलमान खान अपने शो कपिल शर्मा शो में नजर आएंगे। और दी कपिल शर्मा शो में सुनील ग्रोवर को भी आना पड़ेगा क्योंकि भारत फिल्म का वो भी हिस्सा है और ऐसे में कपिल और सुनील का मिलाप हो सकता है। इसी के साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे, दी कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर और भारत फिल्म के प्रोड्यूसर खुद सलमान खान है। और जब से दी कपिल शर्मा शो को ऑन एयर किया गया है, तब से ही कपिल सलमान खान के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सलमान खान के वो बहुत बड़े फैन हैं। और दूसरी ओर जब सुनील भी भारत फिल्म का जब से हिस्सा बने हैं, तब से वो भी सलमान के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। हमेशा से ही वो सेट पर कहते हैं कि सलमान खान मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे जब भी कोई दिक्कत होती तो सलमान खान मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। और ऐसे में सलमान खान अगर कपिल के साथ कमबैक के लिए कहेंगे तो जाहिर सी बात है सुनील उनकी बात को टाल नहीं पाएंगे। हालांकि सलमान खान ने दी कपिल शर्मा शो को शुरू करने से पहले सुनील को इस शो के लिए अप्रोच किया था, लेकिन सुनील उस वक्त किसी और शो के लिए अपनी डेट दे चुके थे और इस तरह से उन्होंने सलमान खान को मना कर दिया था। और अब अगर सलमान खान सुनील को इस शो में वापसी के लिए अगर कहें तो जाहिर सी बात है सुनील भी इस शो में आने के लिए वो खुद को मना नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी वो बड़ी वजह जिसकी वजह से कपिल और सुनील का भरत मिलाप हो सकता है, जिसके बड़े कारण होंगे सलमान खान। सलमान खान की हमेशा से छवि रही है वो दूसरों की मदद करते रहते हैं और ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या सलमान खान की वजह से कपिल और सुनील का मिलाप हो पाएगा। साल 2019 में एक बार फिर से होंगे आमने सामने अक्षय और जॉन। जी हां, आपको बताना चाहेंगे साल 2018 में अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड के साथ जॉन अब्राहम की फिल्म सत्य में जयते क्लैश हुई थी और इन दोनों फिल्में धुआंधार कमाई भी की थी। आपको बताना चाहेंगे अक्षय की गोल्ड ने तो शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन दूसरी ओर जॉन अब्राहम की फिल्म सत्य में जयते उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकामयाब साबित हुई थी। हालांकि जॉन अब्राहम की फिल्म सत्य में जयते को ए सर्टिफिकेट मिला था, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म अच्छी खासी कमाई कर ली थी। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से तैयार हो जाइए क्योंकि साल 2019 में भी हमें अक्षय और जॉन एक बार फिर से आमने सामने नजर आने वाले हैं। और इस साल जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस और अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल आपस में टकराने की आशंका है। दोनों फिल्मों की रिलीज डेट की बात करें तो 15 अगस्त साल 2019 बताई जा रही है और 15 अगस्त के मौके पर अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल और जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस रिलीज होगी। ये दोनों फिल्में काफी बेहतरीन और काफी अलग कंसेप्ट पर आधारित है और इन फिल्मों को लेकर दर्शक भी काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे होंगे। वेल दोस्तों, देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन दोनों फिल्मों के क्लैश में कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी बाजी मारती है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और आपके हिसाब से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में बाजी मारेगी, साथ ही आप किस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें। बॉलीवुड फिल्मों की हिट फ्रेंचाइजी मुन्ना भाई सीरीज की बात करें तो अब तक इस फिल्म के 2 पार्ट बन चुके हैं और तीसरे पार्ट बनने की अभी हाल ही में घोषणा हुई है। तीसरे पार्ट को लेकर अभी हाल ही में खबर आई थी। इस फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है और निर्देशक राजकुमार हिरानी एक बार फिर से संजय दत्त और अरशद वारसी के साथ मुन्ना भाई 3 लेकर आ रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में अरशद ने अपनी फिल्म जोले लबी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। साल 2013 में आई इस फिल्म में अरशद वारसी ने बेहतरीन एक्टिंग की थी। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, लेकिन मेकर्स ने इस फिल्म का दूसरा भाग बनाने
का फैसला किया तो इसमें अरशद की जगह अक्षय कुमार को ले लिया और इसी बात को लेकर अरशद वारसी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। आपको बताना चाहेंगे जोली LLB 2 साल 2017 में रिलीज हुई थी और फिल्म में रिकॉर्ड बनाते हुए 100 करोड़ की कमाई भी कर ली थी और जब इस बारे में अरशद से पूछा गया तो उनका कहना था कि इसमें अक्षय को लेना एक गलत फैसला था। अरशद इस बारे में कहते हैं कि अगर जोली LLB 2 में मैं और बोमन ईरानी होते तो ये फिल्म भी 100 करोड़ से ऊपर की कमाई करती। इसके साथ ही मेकर्स के पैसे भी बचते क्योंकि उन्हें अक्षय कुमार जैसे बड़े सुपरस्टार जितने रुपए हमें नहीं देने पड़ते। देखा जाए तो जोली 2 में अक्षय कुमार को लेना एक गलत फैसला था। तो दोस्तों इस तरह अरशद वारसी ने अक्षय कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है और अरशद के इस बयान से बॉलीवुड इंडस्ट्री की पोल भी खुल गई है।